हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल मार्केट जैसा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या नारियल के बुरादे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों बाद ही रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और भी कई फेस्टिवल आने वाले हैं, तो आप इससे कई तरह की नारियल की मिठाइयाँ आराम से अपने घर पर बना सकते हो। इसे मैं कच्चे या पाने वाले नारियल से दो तरीकों से आपको बनाना बताऊंगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप इसे एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर को बनाना। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बाजार से काफी हाइजीनिक और सस्ता भी पड़ता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये दो मीडियम साइज के कच्चे या पानी वाले नारियल। तो शुरू करते हैं पहला मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस नारियल में से पानी को निकाल लूंगी। तो नारियल में तीन होल या तीन आईज होती हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्हें चेक कर लूंगी। तो दो आईज यहाँ पर हार्ड होती हैं, तो यहाँ पर जो ये पहली आईज और दूसरी आईज है ये हार्ड है, तो तीसरी जो आईज होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होती है, और इसमें से हम पानी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा होल कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर एक छन्नी लूंगी और छन्नी की हेल्प से इसे छान लूंगी। तो नारियल का ये पानी काफी न्यूट्रिशियस होता है। तो यहाँ पर इसमें से इस तरीके से 150 ml के लगभग पानी निकला है। तो अब मैं यहाँ पर किसी भारी चीज से या हथौड़े से इस नारियल को तोड़ लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इस नारियल को तोड़ लिया है और अंदर से बहुत ही अच्छा हमारा ये नारियल निकला है। तो अब मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे हार्ड वाले पार्ट से अलग कर लूंगी चाकू की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने सारे नारियल का जो हार्ड वाला पार्ट है उसे हटा लिया है। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जो ये ब्राउन छिलका है इसका, इसको चाकू की हेल्प से निकाल लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर इसे पीलर की हेल्प से भी पील कर सकते हो, लेकिन चाकू से बहुत ही इजीली ये निकल जाता है। तो सारे नारियल का ब्राउन छिलका मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और एक बार इसे वॉश भी कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर चाकू से इसे इस तरीके से थोड़ा पतला और लंबा कट कर लूंगी, ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। आप चाहो तो पहले यहाँ पर इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो और फिर उसके बाद ग्राइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर सभी नारियल को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर इसे ग्राइंड करना है, तो इसे मैंने डाल दिया है एक मिक्सर जार में। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगा लूंगी और रुक रुक कर इसे ग्राइंड करूंगी। तो यहाँ पर हमें इसे कंटिन्यूसली नहीं चलाना है, रुक रुक कर ही इसे ग्राइंड करना है और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसे आपको स्पून से दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पर इसे एक बार इस तरीके से उंगलियों के बीच में रखकर चेक कर लूंगी, बिल्कुल भी इसमें नारियल के टुकड़े नहीं रहने चाहिए। गैस पर मैंने एक चौड़े मुंह वाला पैन रखा है, ताकि ये प्रोसेस जल्दी हो सके। तो अब मैं यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ सारा नारियल का पाउडर इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो रखना है और लो फ्लेम पर इसे कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलाते रहना है। तो यहाँ पर अभी इसमें काफी हद तक मॉइस्चर है, तो हमें यहाँ पर इसे तब तक कुक करना है जब तक कि इसमें से जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, क्योंकि हाई पर रखने से हमारा ये नारियल का जो पाउडर है वो जल सकता है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इसे कंटिन्यूसली चला रहे हैं, इसमें से काफी हद तक जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे अब 7 से 8 मिनट का समय हो चुका है और हमारा ये जो नारियल है ये पाउडर फॉर्म में आना शुरू हो चुका है, और मैं यहाँ पर इसे कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलाती जा रही हूँ। तो जितना अच्छे से हम यहाँ पर इसका मॉइस्चर रिड्यूस करेंगे, उतनी इसकी शेल लाइफ बढ़ेगी।
तो देखिए यहाँ पर मुझे 12 से 15 मिनट का समय हो गया है लो फ्लेम पर इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए, और अब ये इस तरीके से पाउडर फॉर्म में आ गया है और ऊपर से नीचे गिराने पर ये इस तरीके से पाउडर बनकर नीचे गिर रहा है। तो गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूँगी और ये पैन अभी काफ़ी गर्म है तो इसे मैं इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाती रहूँगी ताकि ये जले ना। तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद भी मैंने इसे थोड़ी देर के लिए चला लिया था तो यहाँ पर बिल्कुल बाजार जैसा हमारा ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बनकर तैयार हो गया है। आप इससे जो भी मिठाई बनाओगे बहुत ही यम्मी बनेगी। तो इसे मैं यहाँ पर एक बोल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो ये डेसिकेटेड कोकोनट बनाया है ये हमारा पहला मेथड है। तो इसी तरीके से मैं आपको अब दूसरा मेथड भी बताऊंगी और इस तरीके से दोनों मेथड में इजीली कंपैरिजन भी हम कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं दूसरे मेथड का, ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बनाना। तो सेम मैंने यहाँ पर इस तरीके से इस नारियल का जो पानी है उसे निकाल लिया है और इस नारियल का जो हार्ड वाला पार्ट है और छिलका है निकाल कर इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। तो फिर से मैं यहाँ पर ये मिक्सर जार लूँगी और इसमें डाल दूँगी नारियल के सभी कटे हुए टुकड़े। इसको भी मैं सेम इसी तरीके से रुक रुक कर ग्राइंड कर लूँगी और इसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ढक्कन लगा लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है रुक रुक कर। तो यहाँ पर मैं इसे आपको ढक्कन खोलकर दिखाती हूँ। इस तरीके का पाउडर बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल भी इसमें नारियल के टुकड़े नहीं हैं। तो इस कोकोनट पाउडर को भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से हाथों से चेक कर लिया है कि कहीं इसमें नारियल के कोई छोटे टुकड़े तो नहीं रह गए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसके ऊपर मैं रख दूंगी ये कॉटन का पतला कपड़ा। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सारा कोकोनट पाउडर जिसे हमने बनाकर तैयार किया था। तो यहाँ पर मैंने सारा कोकोनट पाउडर डाल दिया है। कपड़े के चारों सिरे को इस तरीके से पकड़ लेंगे और इसे हाथों से इस तरीके से स्क्वीज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इस नारियल से कोकोनट मिल्क को अलग करना है। तो यहाँ पर हमारा ये कोकोनट मिल्क बनकर तैयार हो गया है और आप इससे कई थाई डिशेस, साउथ इंडियन रेसिपीज या फिर ड्रिंक्स बनाने में यूज कर सकते हो। ये भी काफी हेल्दी होता है हमारे लिए। तो अब यहाँ पर मैंने इस कपड़े को इस तरीके से एक प्लेट में रख दिया है और यहाँ पर जो ये पाउडर है इसको हाथों से इस तरीके से क्रम्बल कर लूंगी। गैस पर मैंने सेम वही पैन रखा है और पैन यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें मैं डाल दूंगी सभी क्रम्बल किया हुआ कोकोनट पाउडर। तो सभी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ भी लो रखा है तो लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए इस तरीके से कुक करना है और इसमें से जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करना है क्योंकि हमने नारियल में से कोकोनट मिल्क को अलग कर लिया था तो इस प्रोसेस में टाइम बहुत कम लगता है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखूंगी और कंटिन्यूसली इसे चलाती रहूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो केवल 5 से 6 मिनट का समय ही हुआ है मुझे यहाँ पर इसे इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलाते हुए, और हमारा ये कोकोनट पाउडर इस तरीके से ड्राई फॉर्म में आ चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर इसे 1 मिनट के लिए इसी तरीके से और चला लूंगी। तो यहाँ पर मुझे 1 मिनट का समय और हो चुका है इसे चलाते हुए और ये बिल्कुल इस तरीके से ड्राई फॉर्म में आ चुका है। तो गैस का फ्लेम मैंने अब यहाँ पर बंद कर लिया है तो अभी ये बर्तन काफी गर्म है और हमारा ये पाउडर जले ना इसीलिए इसे मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर एक बोल में। तो यहाँ पर मैंने इसे बोल में निकाल लिया है तो आपको मैं यहाँ पर इसे थोड़ा पास से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये दूसरे मेथड का डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बना है। तो इसे भी मैं यहाँ पर एक बोल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर अब हम इनका कंपेरिजन करेंगे।
क्वांटिटी के हिसाब से कंपैरिजन करें तो पहले वाला डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में। टाइम के हिसाब से देखें तो पहले वाले डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर को बनाने में 12 से 15 मिनट और सेकंड वाले को 7 से 8 मिनट का ही समय लगा है। कलर के हिसाब से कंपैरिजन करें तो फर्स्ट वाला हल्का सा क्रीमी है और दूसरा वाला बिल्कुल वाइट है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट और इजी लगे आप उससे ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हो। आराम से आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।